अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है हमारा टोयोटा करोना RT 100 की रिगार्डिंग। लास्ट आपने देखा था पुटीन वर्क फाइनल हो गया, अब उस पर प्राइमर अप्लाई की है। प्राइमर आपको दिखाते हैं, फुल तो नहीं है पर ये कि फ्रंट फिंडे से बैक डोर्स तक है। चलते हैं गाड़ी के पास। तो जी अभी हम पहुँच गए हैं गाड़ी के पास और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसके डोर्स और फिंडेज पे ज़बरदस्त हो गया है प्राइमर अप्लाई। अब सारी लाइंस सारी चीज़ें प्रॉपरली नज़र आ रही हैं आपको, ये देखें। अब हम चलते हैं ड्राइवर वाली साइड पे ताकि आपको वहाँ से सारा दिखा दें, वो ज़्यादा साइड क्लियर है। ये देखें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ से आप लाइंस देखें, ये डोर की लाइन आगे तक फिंडर तक जो जा रही है, ये यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा वो नज़र आ रहा होगा पैच सा, ये स्प्रे ओवर हुआ हुआ है इसकी वजह से नज़र आ रहा है, वैसे बॉडी सीधी है। इसके अलावा जी अब डोर्स के देख लेते हैं लाइंस को। ये देखें जी डोर की लाइंस, नीचे कर्व्स, सारी चीज़ें प्रॉपर जा रही हैं। मुझे तो सो फार कोई ढलक नहीं नज़र आई इसके अंदर, पर बाकी एक दफ़ा मज़ीद सेंडिंग होगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पर अब तो हमने दरवाज़े उतार देने हैं इंशाल्लाह, फिंडर्स भी अब इसका इंटरनल काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह से नेक्स्ट डे। मज़ीद आगे की अपडेट्स आपको देते हैं टोयोटा करोना के रिगार्डिंग। तो ये आपने देख लिया था, प्राइमर अप्लाई हो चुका था फिंडर और दो दरवाज़ों पर। अभी फ़िलहाल जो काम हो रहा है वो ये है कि हम ये वाली आर्चेस को ठीक कर रहे हैं, जो डिज़ाइन है इसके ऊपर वर्किंग प्रॉपर की जा रही है। ये आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है जो पिक्चर से देख के समझ आई है, हैदर भाई के वाले साहब ने भी बताई है, तो वो एक्यूरेट होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइन आती है, उस पर हमने वर्कआउट करना है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही हो अगर थोड़ी सी, इसको हमने थोड़ा डेप्थ में ही रखना है, वो आती इस तरीके से। आकाश को भी गाइड कर दी है इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है कि जिस तरह वो चाह रहे हैं वैसा ही हो जाएगा। अभी दूसरी साइड पे हम आते हैं, ये देखें इस पे ये वर्कआउट कर रहे हैं, उस साइड वाली जो है फाइनल हो चुकी है, इस साइड पे अभी वर्किंग कर रहे हैं। ये वर्किंग हो जाए इसके बाद जो है दरवाज़े उतरवाते हैं, फिंडर्स उतरवाते हैं, फिर ये कि जो बैक बेस है इस पर भी काम होगा, साथ अंदर फर्शों पे और झड़पों पे भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक के लिए ये अपडेट से मज़ीद ऐड ऑन कर लेंगे अगले क्लिप में। अस्सलाम वालेकुम जी, आज नेक्स्ट डे ने माशाल्लाह से नई प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, दरवाज़े उतर गए हैं, फिंडर उतर गया है और जो इस वक्त काम हो रहा है बेसिकली सेंडिंग पे हो रहा है। सेंडिंग वर्क में आप देख सकते हैं इसके फुटबोर्ड, इसका ये वाला पिलर सेंटर पिलर, यहाँ से आप देखें तो ये सेंडिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, साथ साथ ये पिछली व्हील आर्च है अंदर से ये भी सेंड आउट हो चुकी है। इसके अलावा आकाश को हमने एक हेल्पर दिए, वो इस साइड पे काम कर रहा है। बैक पे जो है अभी आकाश खुद ही कर रहे हैं फाइनल इसको। अभी जो है ऊपर वाला जो ट्रंक की सारी लाइन है ये अब आपको नज़र आ रही होगी इसमें, देखें क्लियर, तो इसको सेंड आउट कर लिया है। ये अंदर वाली फाइनल फिनिशिंग कर रहे हैं, ये तकरीबन हो चुकी है। पीछे जो बेस है मेन, जहाँ पे नंबर प्लेट और लाइट्स आनी है, इस पर काम कर रहे हैं। तो इस पर भी देखें डिफरेंट लाइंस हैं, उन लाइंस को सारा एक्यूरेट रखना, ये सारी चीज़ें मेहनत का काम है। यहाँ से भी आप देखें ये लाइंस क्लियर होती जा रही हैं। इस साइड पे ये जो खड्डा है इसको थोड़ा और वो बेहतर कर लेंगे, उस साइड पर भी है सेम, मगर इस साइड पर फ्यूल लिड है इसलिए थोड़ा डिफरेंट है उस वाली साइड से। इसके अलावा ये वाली जो जगह है मेन, इसका मसला आ रहा था, पर ये अब शेड के हिसाब से पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा नज़र आ रहा है कि नहीं, पर यहाँ पे एक अलहदा से लकीर है जैसे जेन्युइन गाड़ी में आती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है इतना ही चाह रहे होंगे हैदर भाई इसको देखना, बाकी फिर भी कोई चीज़ होगी तो वो इंशाल्लाह हमें बता देंगे, उसमें हम इम्प्रूवमेंट ले आएँगे। तो अभी तक की अपडेट्स यहाँ तक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज नेक्स्ट डे दिखाते हैं आपको टोयोटा करोना, हैदर भाई का जो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे गाड़ी आप देखें माशाल्लाह से प्रोग्रेस अच्छी जा रही है इस वक्त। इसमें ये कि फ्रंट की अभी सफाइयाँ, सैंडिंग जो आपको लास्ट टाइम दिखाया था ये वाली साइड, वो हो गई है। अभी लड़के अंदर फर्श भी साफ़ कर रहे हैं,
फ़र्श में बहुत गंद है, यहाँ पे थोड़ा पानी है, मगर ये अभी लड़के काम कर रहे हैं तो वो निकाल देंगे। ये फ्रंट वाली साइड है जहाँ पे पीस डाले थे, इसको प्रॉपर क्लीनिंग की जा रही है इस वक्त, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये वाली साइड फायरवॉल साफ़ कर दी गई है, मज़ीद और सफाइयाँ होनी है, मगर ये कि गंद काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा गंद पड़ा हुआ है। तो अंदर वो सैंड पेपर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं मेरे ख्याल इनने। ये देखें पीछे से, ये जो बैक सीट वाली जगह है माशाल्लाह से अच्छी सैंडिंग हो चुकी है। झड़पे भी आप इसकी क्लोजली ज़रा देख लें, ये पूरी व्हील आर्च, साइड फुटबोर्ड और सेंटर पिलर आपको दिखा देते हैं जी। ये सेंटर पिलर, अब ये आगे डोर की झड़पे अंदर की तरफ से और पिलर आ गया। तो ये हो गया माशाल्लाह से अच्छा, काफ़ी काम प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। बैक एंड से आप देखें जी, तो बैक की जो बेस है इस पे भी काम हो गया माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है। क्योंकि मैं आया हूँ कुछ दिनों के बाद, इसलिए मुझे तो बेहतर लग रहा है कि काफ़ी काम हो चुका है। ये बैक एंड आ गया फेंडर का, और ये पैसेंजर साइड आपको दिखा दी थी, ये ड्राइवर साइड पे भी माशाल्लाह से झड़पों वाला काम तकरीबन हो चुका है वाइंड अप। ये देख लें जी पिलर क्लोजली ज़रा, व्हील आर्च आ गई, ये फुटबोर्ड है जी, यहाँ पे ये जो पी यहाँ पे फिर वो सीलेंट यूज़ कर लेंगे जो गैप्स हैं, ताकि इधर रश ना हो। जेन्युइन भी ऐसे ही आता है, उसमें फिर सीलर भरा हुआ होता है। ये वाला पीस आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से, असल में हमने इसकी छत डाली थी, इसलिए ये बीच में पीस है, लाइन है, इसकी भी प्रॉपर फिनिशिंग हो गई है। ये ताले वाली सारी जगह आ गई, फुटबोर्ड हो गए माशाल्लाह, और ये आगे फिंडर की भी सारी सफाई हो गई माशाल्लाह से। अब ये नीचे से और आगे वाली जो जगह है इस पर भी वर्किंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे सारा गंद है। तो ये जारी है, अब तक की नई अपडेट्स टोयोटा करोना के रिगार्डिंग। इंशाल्लाह फर्दर आगे मज़ीद आगे काम आप सारा देखेंगे। सस्पेंशन जैसे कि इसकी खोल ली है, लास्ट उसमें जुड़ी हुई थी, फ्रंट की सस्पेंशन सारी खोली हुई है, ये पड़ी हुई है देखें। ये इसके टायर, स्टेयरिंग रैक, चिमटे, सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई है। ये इसका बाकी सारा सामान जो रेडी हुआ हुआ है, ये है जी अब तक की अपडेट्स। तो जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं रीच आउट करने के लिए, तो हर वीडियो में मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होते हैं, आप उस पर फेसबुक या इंस्टाग्राम के ज़रिए रीच आउट कर सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह नए डिटेल्स देंगे फर्दर अपकमिंग ब्लॉग्स में। अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।